हेलो टू फिक्शनल, वेलकम बैक टू दी ब्रांड वीडियो। कावासाकी निंजा S2 एंड S2R पर मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑल यू नीड टू नो अबाउट, और उस वीडियो को आपने बहुत ही प्यार दिया। और आज फिर से हम निंजा S2R यानी 15 मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट दी कावासाकी निंजा S2R हाइपर बाइक। निंजा S2R एक ड्रीम मशीन है हर उस ट्रू मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट के लिए जो इंडिया में है या फिर इंडिया से बाहर। और ये पावरफुल मोटरसाइकिल के अंदर आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स देखने को मिलेंगे, और इन सबसे ऊपर इसकी टेक्नोलॉजी। हाँ जी, इसकी टेक्नोलॉजी के कारण ही इसी स्मॉलर पैकेज के अंदर इसके कंपेयर में अगर दूसरी रेगुलर स्पोर्टी मशीन्स की बात करें जो इंडिया में अवेलेबल है या कंट्री के अंदर अवेलेबल है, उनसे ये 1.5 गुना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। तो इसकी आउटपुट की वैल्यू और इसका पोटेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा है। इस बीस्ट मशीन की आउटपुट या फिर पोटेंशियल के कारण ही बहुत सारी ट्रैक फोकस कार भी एक फेरे को कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि हम इससे पंगा लें कि नहीं। तो आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हर एक बंदे को जो मोटरसाइकिल लवर है उसको जानना जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। फैक्ट नंबर 1, वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक। ये बात तो सबको पता ही होगी कि ये वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक है। निंजा S2R ने 400 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड को टच कर रखा है जब वर्ल्ड सुपर स्पोर्ट चैंपियन कैनान सोफोग्लू ने अपनी एक राइड करी थी उस्मान गाजी ब्रिज नियर इस्तांबुल के अंदर। और इस स्पीड को टच करने में सिर्फ 26 सेकंड लगे थे इस क्लोज ब्रिज के ऊपर। और जो वर्ल्ड सुपर स्पोर्ट चैंपियनशिप होती है उसमें जो राइडर्स होते हैं वो 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड को ही फेस कर पाते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड कुछ होती है भाई। और ये रिकॉर्ड बनाया गया था बहुत सारी रिसर्च करने के बाद। इस रिकॉर्ड के दौरान विंड की स्पीड काफी स्लो थी। फैक्ट नंबर 2, सेल्फ हीलिंग पेंट। हाँ जी, इसकी ओरिजिनल सिल्वर मिरर पेंट फिनिश जो है वो इस मोटरसाइकिल को हर दिन यंग रखती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका हाईली ड्यूरेबल पेंट ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करता रहता है सॉफ्ट स्क्रैचेस से, और इसके पेंट वर्क इस तरह से है कि जो इसकी स्मूथ लेयर है वो अपने आप को हील करती रहती है। लेकिन ये पेंट टेक्नोलॉजी जो है वो फिर सिर्फ स्मॉल स्क्रैचेस या फिर जो सॉफ्ट सोर्सेज से स्क्रैच लगते हैं उनको ही हील कर सकती है। फैक्ट नंबर 3, बैंक एंगल डिस्प्ले। कावासाकी निंजा S2R एक बैंक एंगल डिस्प्ले के साथ आती है जो रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम एंगल अचीव एंड शो द सेम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। यानी कि जब आप एक एंगल पर अपनी गाड़ी को टर्न करते हो उस एंगल को ये रिकॉर्ड कर लेता है, और जब भी कभी जरूरत पड़ती है ये उसको दिखाता भी है। क्योंकि जो इसका इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट है इस मोटरसाइकिल की वो इतनी इफेक्टिव है, एंड इसी कारण S2R में इतना अच्छा इंप्रेसिव फीचर्स मिलता है। फैक्ट नंबर 4, नोट रोड लीगल। इस मोटरसाइकिल को सिर्फ आप ट्रैक यूज या फिर स्पेशल केसेस के लिए निकाल सकते हो, इसको रोड पर लेकर जाना लीगल नहीं है क्लोज इवेंट पर। बहुत सारे बंदों को मिथ है कि इसको रोड लीगल इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये या फिर इसमें हाई स्पीड मिलती है, लेकिन इसका रीज़न यह है कि इसमें कुछ मैंडेटरी पार्ट्स नहीं मिलते जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, मिरर। इस वजह से हम इसको रोड पर लेकर नहीं जा सकते क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि आपको मिनिमम कंपोनेंट्स तो होने ही चाहिए आपकी गाड़ी या फिर आपकी बाइक के अंदर, जैसे कि नेसेसरी पार्ट्स हो गए इसका हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर्स, टेल लाइट और मिरर। इनके बिना आप किसी भी कार या बाइक को रोड पर नहीं लेके जा सकते लीगली। और अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो इनके बिना भी आपको कोई नंबर प्लेट नहीं मिलेगी यानी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं मिलेगी। फैक्ट नंबर 5, सुपर चार्ज इंजन। कावासाकी में आपको 998 सीसी का सुपरचार्ज इंजन मिलता है जो इस मोटरसाइकिल को प्रोड्यूस करवाता है 310 हॉर्स पावर और 326 हॉर्स पावर अपने रेम एयर असिस्ट मोड में। और ये पावर इसको 14,000 आरपीएम पर मिलना स्टार्ट हो जाती है, और इसमें आपको 165 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क मिलती है 12,500 आरपीएम पर। और निंजा S2R को भी पसंद है इसको रेव करना क्योंकि इसमें आता है सुपरचार्ज इंजन। फैक्ट नंबर 6, कार्बन फाइबर विंग्स। निंजा S2R के अंदर आपको कार्बन फाइबर विंग्स मिलते हैं इसकी डाउनफोर्स को और इम्प्रूव करने के लिए, और ये उसी जगह प्लेस करे गए हैं जहां पर रियर व्यू मिरर्स होते हैं रेगुलर बाइक्स के अंदर। और इसी कारण इस लाइटवेट सेटअप की वजह से ये काफी इफेक्टिव हो जाती है 300 से ऊपर स्पीड पर पहुंचने के लिए। फैक्ट नंबर 7, ब्रिजस्टोन बैटल एक्स V01 टायर्स। कावासाकी ऑफर करती है मोस्ट इम्प्रेसिव रबर कॉम्बिनेशन अपनी S2R के अंदर, और इसके अंदर आपको एक यूनिक वे मिलता है, यूनिक साइज मिलता है टायर का, और रेस स्पेक टायर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि हर एक चीज एवरी इलेक्ट्रॉनिक फीचर इसकी कॉन्फ़िगर्ड होता है अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन एंड कैपेबिलिटी। फैक्ट नंबर 8, सिंगल साइडेड स्विंग आर्म।
इसका प्रीमियम सिंगल साइडेड स्विंग आर्म एक तो आपको वेट बचा कर देता है पूरी गाड़ी में, और दूर से देखने में भी काफी इंप्रेसिव लगता है अगर आप कहीं से भी देखें इसको, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसमें आपको डिस्क ब्रेक और स्विंग आर्म देखने को मिलेगा, और राइट साइड में देखेंगे तो इसको आपको वेरी स्पोर्टी डिजाइन मिलेगा जिसमें सिर्फ आपको एक एलॉय व्हील का डिजाइन दिखेगा और टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम S2R का। फैक्ट नंबर 9, ब्रेम्बो ब्रेक्स। इसमें 330mm के डुअल ब्रेम्बो सेमी फ्लोटिंग ब्रेक्स मिलते हैं और इसकी थिकनेस 5.5mm है, जो हेल्प करती है इस बीस्ट को रोकने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर इतनी पावरफुल आउटपुट मिलता है इस बाइक के अंदर और इस बीस्ट को रोकने के लिए भी तो आपको पावरफुल ब्रेक की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें ये ब्रेम्बो ब्रेक्स काम आते हैं। और रियर की बात करें तो रियर में आपको मिलता है 250mm की रियर डिस्क ब्रेक जिसमें 2 पिस्टन यूनिट है, और फ्रंट वाले में आपको M54 पिस्टन सेटअप मिलता है। नंबर 10, ओहिलिन सस्पेंशन। निंजा S2R के अंदर आपको ओहिलिन के TTX36 गैस चार शॉक अब्जर्वर मिलते हैं जो 135mm के ट्रैवल के साथ आते हैं, और इतना ही नहीं इन सस्पेंशन सिस्टम को बनाया गया है प्रिसाइज करके स्टीयरिंग डैम्पर के साथ, और जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो 43mm की USD यूनिट है और इसका ट्रैवल है 120mm का। फैक्ट नंबर 11, इन्फॉर्मेटिव कंसोल। कावासाकी निंजा S2R में आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंसोल देखने को मिलता है जिसमें आपको एनालॉग टैकोमीटर और TFT डिस्प्ले दोनों ही मिलती हैं, और इसकी स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर एंड ट्रिप मीटर और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रीडेबिलिटी। फैक्ट नंबर 12, अवेलेबिलिटी एंड प्राइस इन इंडिया। निंजा S2R को आप इंडिया में भी खरीद सकते हो जिसकी प्राइस है 79.90 लाख रुपीज, और इसमें आपको 1% का TCS देना पड़ता है अपनी सारी वैल्यू पर, और जो पैसा इसकी RTO डॉक्यूमेंटेशन पर लगेगा वो S2R पर एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि आप इस बाइक की रजिस्टर्ड नहीं करा सकते जब तक आपको वो सारी चीजें ना लगाई हो जो मैंडेटरी है एक रोड बाइक के लिए, लाइक हेडलाइट, टेल लाइट और मिरर। तो जो टोटल कॉस्ट आएगा विदाउट इसकी रजिस्ट्रेशन के वो आएगा 80,70,000 रुपए एक मोटरसाइकिल के लिए। फैक्ट नंबर 13, इंडिया वर्सेस US प्राइस। तो इतना बड़ा अमाउंट यानी 80 लाख रुपए एक बाइक के लिए काफी ज्यादा होता है, लेकिन ये ह्यूज अमाउंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडिया लाते वक्त इसमें काफी सारे टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। अगर बात करें दूसरे साइड की तो निंजा S2R आपको USA के अंदर $55,000 में मिल जाएगी, जो तकरीबन 41.20 लाख रुपीज होते हैं इंडियन मार्केट में। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज की वजह से इंडिया में आकर इस S2R का प्राइस लगभग डबल ही हो जाता है, और इसी वजह से इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा S2R नहीं है। मे बी एक पुणे के अंदर S2R आई थी, वरना एशिया में एक और है जो वर्ल्ड फेमस बाइक है S2R, वो है डॉक्टर जिशान पाकिस्तान के, उनके पास, और वो मोटो व्लॉगिंग करते हैं अपनी इस निंजा S2R पर। फैक्ट नंबर 14, सर्विस इंटरवल। निंजा S2R का सर्विस इंटरवल काफी यूनिक है क्योंकि इस निंजा S2R को रेगुलर चेकअप की जरूरत पड़ती है हर 15 घंटे के ऑपरेशन के बाद। हाँ जी, इसके कंसोल के अंदर आपको ऑटोमेटिकली टाइम कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा जब भी आप इसको चलाएंगे 8000 RPM से ऊपर की स्पीड पर, तो ये सिस्टम अपना आप ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता रहता है कि कितने घंटे से चल रही है या कितने मिनट से चल रही है हमारी कावासाकी निंजा S2R। फैक्ट नंबर 15, नो वारंटी। हाँ जी, आपने इतने सारे पैसे खर्च कर लिए 80-81 लाख रुपए एक बाइक के ऊपर, और उसके बाद भी आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी कोई से भी कंपोनेंट में कावासाकी की तरफ से, चाहे वो फिर इसका इंजन हो या फिर इसके बेसिक पार्ट, वो सब आउट ऑफ वारंटी होते हैं S2R में। तो जितनी भी सर्विस या फिर कोई भी पार्ट आपका टूटा या खराब हुआ उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कावासाकी को। तो इस बीस्ट को संभालना बहुत ही मुश्किल बात है, और मेंटेन करना उसी के बस की बात है जो कि बहुत ही ज्यादा बंदा अमीर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ, और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए अगर आपको और यूनिक फैक्ट्स जानने हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।